फाइनली वीवो ने अपनी वाई सीरीज़ का एक और नया स्मार्टफोन फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है वीवो Y3S और इस स्मार्टफोन को एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसकी प्राइस आपको 10,000 से कम देखने को मिल जाती है और इसी के मैं आपको स्पेसिफिकेशन, प्राइस, सारा कुछ बताने वाला हूँ और क्या आपको इस बजट के हिसाब से इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं वीवो Y3S स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें आपको 6.51 इंच की HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 720x16 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। वहीं अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको एक पावरफुल बैटरी मिल जाती है जो कि 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी, जो कि 10 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है और इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है। अगर कैमरास की बात की जाए तो इसमें आपको बैक साइड में एक कैमरा मिलेगा 13 MP का, इसमें आपको बैक में प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोनों साइड आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है। जो डिजाइन है वह काफी ऑसम है। वहीं अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Helio P35 का, इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको Android 11 का अपडेट मिलेगा जो कि Phantos 11 पर काम करता है। वहीं अगर इसके मैं कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको पैरल व्हाइट, मिंट ग्रीन और स्टेरी ब्लू तीन कलर्स में यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो गाइज यार, अगर वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो मैंने आपको वीवो Y3S स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बता दी। अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है 9,490 रुपये, जिसमें आपको मिलती है 2GB RAM प्लस 32GB स्टोरेज और इसकी सेल स्टार्ट होने वाली 18 अक्टूबर से। बट गाइज रुकिए, तो क्या आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या फिर अदर स्मार्टफोन को? तो गाइज मेरे ओपिनियन से अगर मैं बताऊं तो आपको 2GB RAM प्लस 32GB के स्टोरेज के साथ यह स्मार्टफोन मिल रहा है आपको 9,490 रुपीज का, तो ये थोड़ा महंगा लगा मुझे, बिकॉज आपको 9,500 रुपीज की प्राइस में केवल 2GB RAM और 32GB की स्टोरेज मिल रही। तो आप अदर ब्रांड का कोई स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, आपको 8,000 रुपीज की प्राइस में आपको 3GB RAM 32GB की स्टोरेज मिल जाएगी और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये वाला स्मार्टफोन परचेस करना है या नहीं। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, अगर आप वीवो के फैन हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो।